ब्रह्मा जी ये मां पृथ्वी अब भार नहीं सह सकती पाप का। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं दया करो, कंस को तो मैं भी नहीं मार सकता, इस मां पृथ्वी के आंसू मैं भी नहीं पहुंच सकता हूं। देवता बोले चलो तो क्षीर सागर की ओर चलते हैं, जहां क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण बैठे होंगे। सज्जनों ब्रह्मा ने मना कर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामायण में कि हरि प्यापा का सर वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई मई जाना। सागर में जाने की जरूरत नहीं, देवताओं यहीं बैठकर के भगवान का भोजन कर लीजिए, भगवान यहीं पर विराजमान हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, भगवान हर जगह व्याप्तमान है, वो प्रेम से प्रकट होता है। देवताओं यहीं बैठकर के करुणा निधान का भजन कीजिए, भगवान यहीं पर जरूर आएंगे। सभी देवता भगवान श्री हरि का भजन करने लगे। सज्जनों और 101 रुपया श्रीमान विपेंद्र सिंह जी कैलमुड़ी की तरफ से दूध ठेकेदार हैं, 101 रुपए विपेंद्र जी भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखे, भंडार भरते रहे। भगवान ने कहा कि भगवान हर जगह व्याप्तमान है। ब्रह्मा जी ने कहा कण कण में भगवान का वास है, पत्ते पत्ते में प्रभु का वास है, बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विध नाना। बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के करोड़ों काम करते हैं। देवताओं यहीं बैठ के प्रभु का भजन करो। सभी देवता और ब्रह्मा जी मां पृथ्वी के साथ लेकर के और भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो गए हैं। अरे तेरा सोना हितकारी हम पे
पुकार सभी देवताओं ने जैसे लगाई है और वो करुण पुकार जैसे भगवान श्री हरि नारायण के कान में पहुंची, लक्ष्मी जी से कहा अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु क्यों? बोले हमारे लिए ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण सभी देवता माँ पृथ्वी सहित बुला रहे हैं। गरुण को छोड़ा भगवान और गरुण से कहा चलो अब चलते हैं। गरुण के सहित भगवान वही आके उतरे जहां सभी देवता प्रभु की करुण पुकार लगा रहे थे। सज्जनों भगवान ने कहा देवताओं कौन सी ऐसी मुसीबत आपके ऊपर आ गई जो इस करुण भाव से तुमने मुझे बुलाया है? देवता कहने लगे प्रभु ये मां पृथ्वी है और ये कहती है कि कंस के पाप से अब हमसे रुखा नहीं जाता, कंस का जो पाप है वो अब हम पे सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा मां पृथ्वी का सांत्वना दिलाने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मां पृथ्वी, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं, देरी नहीं है कि मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी और तेरा कष्ट मिटाऊंगा कृष्ण बन करके मथुरा में मैया जल्दी से आऊंगा सभी से कहा कि बस देरी ना करो इसी समय जाओ और वृंदावन में गोपिका बन जाओ। एकदम कहा देवताओं से कि हमारा बड़ा सौभाग्य है तुम भी जाओ सब ग्वाला बन जाओ। जितनी गोपिकाएं थी वो देवियां जाके बनी, जितने ग्वाला थे वो सब जाकर के देवता बने और उधर भगवान ने मां पृथ्वी को सांत्वना दी
और पृथ्वी को सांत्वना देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब विधि से